तो आज है 1 जनवरी 2022। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करते हैं और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद मानसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। और इसी के साथ अब हम जा तो यहाँ से अब हम निकलने लग गए हैं और कहाँ जाने वाले हैं आप लोग व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। और अभी करीबन दोपहर का टाइम हो रहा है, करीबन 12 से 1 का। गिल गिल जाते हमें दोस्त, हम गिल जाते ना। बाय बाय। तो यहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई और साथ में ये और यूवी, हम ही 5 लोग जा रहे हैं बस। चुके हैं गुरुद्वारे में। ये है मेरठ का फेमस गुरुद्वारा जो कि है मेरठ कैंट में। और आज नया साल था तो सोचा क्यों ना किसी मंदिर या गुरुद्वारे में चला जाए। और यहाँ पर आकर के मन को बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है। और कुछ इस तरह से इसकी एंट्रेंस है गुरुद्वारे की। और यहाँ से चल कर के हम लोग अब अंदर की तरफ चलेंगे। आप साइड में देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग अब अंदर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मेरा भाई खड़ा हुआ है और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर स्लीपर्स और शूज़ वगैरह उतारने थे और उसी के साथ हम सभी लोगों ने यहाँ पर शूज़ और स्लीपर्स वगैरह निकाल दिए हैं। और उसके बाद यूवी की सॉक्स उसके डैडी ने निकाल दी हैं, सॉक्स वगैरह भी। और इसी के साथ अब हम चलने वाले हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आकर के हम सभी लोगों ने अपने हैंड वॉश कर लिए थे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर पानी था, जिस पानी में हम लोग अपने पाँव जो है धोने थे। और उसके बाद ये आगे पायदान पड़ा हुआ है, उस पर पोंछ लेने थे। और यूवी को आप देख सकते हैं, वो तो साइड से निकल गया धीरे से क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मैं पानी में गिर ना जाऊँ। और यहाँ पर मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतने साल हो गए मेरठ में रहते हुए, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। और लाइफ में पहली बार गुरुद्वारे आई हूँ आप ये कह सकते हैं। और आप ग्रीनरी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये सर पे बांधने वाला जो रुमाल होता है तो यश जो है यूवी को बांध देगा और अंजलि खुद से बांध रही है। तो आप देख सकते हैं यूवी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है इसमें। और बच्चों की शैतानी हर जगह वही सेम होती है, उनको तो बस खुशी होती है हर जगह हम कहाँ जाने वाले हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, बस बच्चों की तो यही अपनी मस्ती रहती है। और इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर हाथ जोड़ करके सीधे अब अंदर की तरफ चलेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून शांति अच्छा लगता है जब ऐसी जगह पर जाते हैं, मन को बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे शायद इसको लंगर बोलते हैं, यहाँ पे ये 24 घंटे चलती रहती है, जो भी हल्का फुल्का चाय पानी होता है।
और इसी के साथ अब हम लोग अंदर आ गए हैं। और मेरे हिसाब से अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने खुद से ही बंद कर दिया था। यहाँ जाने के बाद कैमरे को बंद करके रख दिया था। और इसी के साथ अब हम लोग वापस बाहर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं इस गुरुद्वारे की जो डिज़ाइन है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। और अब हम इसके चारों तरफ गोल गोल घूम करके देख रहे थे कि मतलब कितना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये। और ज़्यादातर इसमें शीशे का काम किया हुआ है, इसीलिए इसको शीशे वाला गुरुद्वारा या कांच का गुरुद्वारा बोला जाता है। और इसकी हल्की सी शेप, थोड़ी जो लोटस टेम्पल है उसकी जैसी हल्की सी शेप आती है अगर आप दूर से इसको देखेंगे तो। तो हेलो गाइस, हम लोग आए हुए हैं गुरुद्वारा जो कैंटीन में, साथ मेरे भाई और बहन भी आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यूवी, ये रहा यूवी, आपको अच्छा लग रहा है? तो हम ये आए हैं कांच के गुरुद्वारे में, आप लोग देख सकते हैं पीछे। हम यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, उसके बाद माथा टेक लिया है। और साइड में बहुत बड़े बड़े पार्क हैं इसी में, तो यहाँ पर सभी लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। थोड़ा सा हम लोग भी इधर की तरफ आए थे। और ये जो पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। और ये स्पेशली कैंट एरिया में है तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है इस एरिए को। और इसी तरह से गुरुद्वारे भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था। गाइज, हम यहाँ पर जो है कांच के गुरुद्वारे आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। और अब हम इसके बाद जाने वाले हैं कंपनी गार्डन, उसे गांधी बाग भी बोलते हैं, तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं। गुरुद्वारे से बाहर निकलने के बाद हम लोग जब कंपनी गार्डन गए थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी न्यू ईयर की वजह से। मुझे नहीं पता था, मैं वहाँ भी आज तक कभी नहीं गई हूँ, तो इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे ही कोरोना का टाइम है तो हम लोगों ने वाला प्लान अपना कैंसिल कर दिया था। हम लोग गए थे बट बाहर से देख के वापस आ गए थे। और इसी के साथ अब हम लोग अब अपने स्लीपर्स और शूज़ वगैरह पहनने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर। और हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं अब। हमारी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी हुई थी, तो उसके बाद हम लोग अब निकल लिए हैं नए सफ़र की तरफ, मतलब कंपनी गार्डन की तरफ जा रहे थे बट नहीं गए। और उसी से आगे मेरा घर आता है भाई का, तो वहाँ पर हम लोगों ने यश कामनी को छोड़ दिया था। और ये है हनुमान चौक, कितनी सुंदर मूर्ति है बजरंग बली की और कितनी बड़ी है। और इसी के साथ अब हम लोग अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल